हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड यूनिट ऑफ प्लस टू क्लास सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सर होता है जब हम ऐड करते हैं टू या मोर देन टू कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, वाटर प्लस सॉल्ट, तो क्या प्रिपेयर होगा भाई? सॉल्टी वाटर। तो सॉल्टी वाटर क्या एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना? तो ये क्या एक सॉल्यूशन है। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं इसके। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सर? होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है? देखो, व्हाट इज होमोजेनियस? होमोजीनियस, होमो का मीनिंग क्या होता है भाई? होमो मीन होता है सेम, जीनियस सेम फेज, जीनियस का मीनिंग होता है फेज, प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी फेज सेम होगी या उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी या फिर उनकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर सेम होगी। कैसे? जैसे आपके पास एक बिकर है, बिकर के हम अंदर ऐड कर लेते हैं वाटर। ये एक बिकर है, बिकर के अंदर हमने ऐड कर लिया वाटर, ठीक है। इसके बाद हमने स्पून के साथ ऐड किया इसके अंदर कुछ सॉल्ट। जैसे मैं यहाँ से सॉल्ट ऐड करता हूँ, यहाँ से ऐड किया मैंने सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या करेगा? उसको अच्छी तरह मूव करवाओ, हिलाओ उसको अच्छी तरह, तो सॉल्ट क्या करेगा? अच्छी तरह डिजॉल्व हो जाता है अभी इसके अंदर। अब जो सॉल्ट प्लस वाटर है यानी सॉल्टी वाटर है, इसके अंदर जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन की वो क्या होगी? सेम होगी। अगर आप ऊपर से चेक करोगे सॉल्यूशन को, इस पार्ट से या जिस पार्ट से भी चेक करोगे ना, तो प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। यहाँ भी सेम टेस्ट होगा, यहाँ भी सेम टेस्ट होगा, यहाँ भी सेम, और हर जगह क्या होगा? सेम टेस्ट होगा। टोटली प्रॉपर्टी क्या होगी यहाँ? अब सेम मिलेंगी आपको। कंपोजिशन क्या होगी सॉल्यूशन की? सेम होगी इसके अंदर। या अगर यहाँ NaCl वाटर के मॉलिक्यूल अगर टू हैं मान लो, तो यहाँ भी कितने हो गए? टू, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू हो गए भाई मोल, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस, यानी जो प्रॉपर्टी है थ्रू आउट द मिक्सर सेम रहे उसको बोलते हैं होमोजेनियस। अब देखो नेक्स्ट आता है टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स वो होते हैं भाई जिससे मिलके सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, ठीक है ना? अब सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यानी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है यहाँ? कंपोनेंट्स एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट, ओके? तो सॉल्वेंट क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा भी या मोर अमाउंट में। और सॉल्यूट क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट या लो अमाउंट, ठीक है ना? हमने एग्जांपल ली थी वाटर प्लस सॉल्ट, तो वाटर क्या है यहाँ? सॉल्वेंट होगा और सॉल्ट क्या हो गया यहाँ? ये होगा आपका सॉल्यूट, ओके भाई। और आपके पास प्रिपेयर क्या हो जाता है? सॉल्यूशन, ठीक है ना? अब देखो, हमने अमाउंट के हिसाब से बोला इसको सॉल्वेंट और इसको बोला सॉल्यूट। अगर आपको ये हो कि 50% ही सॉल्यूट है इसके अंदर और 50% ही सॉल्वेंट, या दोनों 50% है, ये दोनों मान लेते हैं 50-50 है, तो आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा इसके अंदर सॉल्यूट है? तो आपकी च्वाइस होती है फिर उसके अंदर, आप किसी को भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट काउंट कर सकते हो। या अगर एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आता है तो आपको मेंशन होता है ये सॉल्यूट होगा या फिर ये सॉल्वेंट। इससे अलावा अगर कई बार कन्फ्यूजिंग होती है तो आप चेक कर सकते हो सॉल्यूशन के बेस पे भी, यानी जो सॉल्यूशन के फेज आएगा। यानी मान लो अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो उसका मतलब जो सॉल्वेंट आपने यूज किया वो लिक्विड होगा उसके अंदर। लास्ट में जो रिजल्टेंट आता है ना सॉल्यूशन, उसकी जो स्टेट होगी वही स्टेट आपकी सॉल्वेंट की होती है अभी। जैसे आप घर में जो नींबू पानी या स्कंजी तैयार करते हो तो उसके अंदर क्या यूज करते हो आप? वाटर प्लस सॉल्ट प्लस उसके अंदर शुगर ऐड कर देते हो आप तीसरी, ठीक
ठीक है ना। लास्ट में जो आपके पास स्कंजी तैयार होती है वो क्या होती है, लिक्विड स्टेट में। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने सोलवेंट यूज किया वो भी क्या था, लिक्विड स्टेट के अंदर था, यानी वाटर एक सोलवेंट था उसके अंदर। तो आप सोल्यूशन के बेस पे भी इसको डिफाइन कर सकते हो कि इसके अंदर सोलवेंट क्या होता है। जो लास्ट में स्टेट सोल्यूशन की होती है, सेम स्टेट किसकी होगी, आपकी सोलवेंट की होती है। ओके, तो ये थे आपके सोलवेंट एंड सोल्यूट भी। नेक्स्ट हम डिफाइन कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स। आप सोल्यूशन को क्लासीफाई कर लेते हैं भाई नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स। नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स क्या थे, जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल यूज की थी वाटर प्लस सोल्ट की, ठीक है ना। तो वाटर प्लस सोल्ट था इसके अंदर, तो इसके अंदर हमने कितने कॉम्पोनेंट यूज किए हैं भाई, देखो वन और ये सेकेंड, तो टू कॉम्पोनेंट यूज किए, तो नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट टू, तो उसको बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। अगर हम थ्री कॉम्पोनेंट यूज कर लेते हैं, जैसे बाइनरी के अंदर हमने क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही है सेम वाटर, वाटर H2O प्लस सोल्ट, सोल्ट क्या है NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है वाइट कलर का। उसके बाद टर्नरी, टर्न मतलब थ्री, ट्राई बोलते हैं जिसको, टर्नरी होता है थ्री। अब इसके साथ आप शुगर और ऐड कर दो इसके अंदर, तो कितने कॉम्पोनेंट अभी, वन टू थ्री, तो ये क्या होगा, टर्नरी सोल्यूशन होगा। फोर्थ आता है क्वार्टनरी, क्वार्ट मतलब फोर होता है अभी। अगर इनके साथ, जैसे आप घर में स्कंजी तैयार करते हो तो उसके साथ क्या ऐड करते हो, वाटर होगा आपके पास, सॉल्ट ऐड करते हो उसके अंदर, शुगर ऐड करते हो, साथ में आप लेमन ऐड कर दो, नींबू ऐड कर दो उसके अंदर, तो जो लास्ट में सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा आपके पास, ठीक है ना, लेमन है भैया फोर्थ वन, नींबू, तो ये क्या है, क्वार्टनरी सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन बाइनरी टू कॉम्पोनेंट्स हो गए, टर्नरी तीन कॉम्पोनेंट यानी थ्री कॉम्पोनेंट है, क्वांटनरी चार कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। ओके, इसके अलावा हम कुछ डेफिनेशन कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर जो यूज होती है प्रैक्टिकली। व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखो भाई, नाउ व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन, ये कुछ डेफिनेशन है जो आप जनरली यूज करते हो। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, इन विच वॉटर वर्क एज ए सोलवेंट। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें वॉटर क्या करेगा, सोलवेंट की तरह बिहेव करेगा। जितने भी हमने अब एग्जांपल यूज की थी वो सारी क्या थी, एक्वस सॉल्यूशन की थी। और नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन एक्वस। नॉन नेम से ही क्लियर हो जाता आपको, तो नॉन एक्वस क्या होगा भाई, रदर देन वाटर, यानी इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। इन विच वाटर वर्क नॉट एज ए सोलवेंट, जिसमें वाटर वर्क नहीं करेगा, अदर देन वाटर होगा इसमें, जो सोलवेंट होगा ना, वाटर नहीं होगा, कोई और चीज़ें होगी, जो सोलवेंट है अदर देन वाटर। अदर देन वाटर क्या हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, बेंजीन सोल्यूशन, ईथर हो सकता है अभी, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो सकता है अभी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड फॉर्मूला होता है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है किसके बेस पे, अब सॉल्वेंट के बेस पे, यानी देखो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है भाई, सॉल्यूशन। अब जो सॉल्वेंट का बेस पे हम सॉल्यूशन के थ्री वे से क्लासिफाई कर सकते हैं अभी, यानी गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन का मेन क्या होगा, कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा। और सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसके अंदर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है भाई, उसको बोलते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशन। आगे इनके थ्री थ्री टाइप हैं, यानी टोटली हमारे पास
9 टाइप के सॉल्यूशन आ जाते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, और एग्जाम में जनरली पूछ लेते हैं यहाँ से वन क्वेश्चन वन मार्क्स के लिए। तो देखो भाई, तो हमने जो सॉल्यूशन की टाइप है किसके बेस पे डिफाइन किया, वो सॉल्वेंट के बेस पे। तो मैंने एक टेबल ड्रा किया है, यहाँ देखो इस साइड लिखा मैंने सॉल्यूट, इस साइड है सॉल्वेंट, और इस साइड क्या है एग्जाम्पल्स। जनरली एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल्स पूछी जाती हैं। तो देखो फर्स्ट क्या भाई, जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है गैसियस सॉल्यूशन का फर्स्ट टाइप, यानी सॉल्वेंट क्या आपका गैस, सॉल्यूट का है गैस, दोनों गैस हैं ये, यानी हाई अमाउंट में गैस प्रेजेंट होगी इसके अंदर और लेस अमाउंट में ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी भाई, गैस प्लस गैस, यानी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एयर है, एयर क्या नंबर ऑफ गैस का क्या एक मिक्सर है, तो एयर इसकी गैसियस सॉल्यूशन की एक एग्जांपल है जिसके अंदर सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट क्या है वो भी गैस है। नेक्स्ट मिक्सर ऑफ N2 एंड O2, यानी मिक्सर होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है ना, वो भी क्या एक एग्जांपल होता है गैसियस सॉल्यूशन का जिसके अंदर क्या है सॉल्यूट गैस है। नेक्स्ट है गैसियस सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर सॉल्यूट क्या आपका लिक्विड है, यानी लिक्विड आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी गैस, यानी गैस हाई अमाउंट में होगी और लिक्विड क्या होगा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वाटर वेपर यानी ह्यूमिडिटी बोलते हो, नमी बोलते हो जिसके। अब नमी है जैसे, तो नमी क्या है वाटर की वजह से होगा, और गैस क्या होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, यानी वाटर तो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वाटर वेपर में, और गैस हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसकी एग्जाम्पल क्या होगी वाटर वेपर हो जाती है भाई, या ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट आ जाता है आपका, यानी गैसियस सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड क्या है वर्क एज ए सॉल्यूट, यानी गैस हाई अमाउंट में होगी और सॉलिड क्या होगा लेस अमाउंट में, डस्ट पार्टिकल है स्मोक पार्टिकल इन एयर। अब डस्ट है एयर के अंदर, तो एयर तो क्या होगी बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगी वहाँ, बट जो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं बहुत कम होंगे। आप खुद सोचो इस चीज़ को, जैसे डस्ट पार्टिकल है पूरे यूनिवर्स के अंदर है या हमारे एटमोसफियर के अंदर है, तो डस्ट पार्टिकल ये थोड़े कि हर एक जगह होंगे, तो डस्ट पार्टिकल तो कम है, बट उसके कंपेरेबल एयर क्या होती है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगी, तो डस्ट स्मोक। अब जो स्मोक है ना धुआं है, उसके पार्टिकल हमेशा सॉलिड होते हैं तभी तो आपको दिखाई देता है स्मोक, तो स्मोक अब एयर के अंदर है, धुआं एयर के अंदर है, तो धुआं कम होगा बट एयर क्या होगी ज़्यादा होगी, तो ये इसकी एक एग्जाम्पल हो जाती है हमें। तो ये था गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन, यानी लिक्विड हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा और गैस लिक्विड सॉलिड ये क्या हो गया आपके पास लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमें। ओके तो देखो एग्जांपल फर्स्ट है गैस प्लस लिक्विड, यानी गैस लेस अमाउंट लिक्विड हाई अमाउंट, तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अब देखो जो वाटर है ना, जैसे रिवर वगैरह या ओशन या सी वगैरह देखा होगा आपने, जितना भी पानी है लेक वगैरह में, तो उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है, बट ये थोड़े कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ज़्यादा तो नहीं है कंपेरेबल टू वाटर, वाटर हाई अमाउंट में होगा और जो गैसें हैं वो क्या होते हैं लेस अमाउंट में, तो ये क्या गैस लेस अमाउंट में है क्योंकि ये वर्क एज ए सॉल्यूट, तो ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक आपने पी है काफ़ी जनरली, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे फिल की जाती है अभी, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम होती है CO2 उसके अंदर, और वाटर क्या होता है उसके अंदर ज़्यादा होता है अभी। ओके नेक्स्ट आ जाता है लिक्विड लिक्विड, यानी दोनों लिक्विड लिक्विड हो गए इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH इथेनॉल भी, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। इथेनॉल क्या होती है जैसे ड्रिंक या शराब बोलते हैं जिसको इथेनॉल होती है, तो इथेनॉल हो मिथेनॉल हो उसको हम क्या करते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो वाटर हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा और इथेनॉल मिथेनॉल लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, तो ये क्या होगी इसकी एग्जाम्पल हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सॉलिड, यानी सॉलिड लिक्विड के अंदर, यानी सॉलिड क्या होगा आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा और लिक्विड क्या होगा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो शुगर और सॉल्ट इन वाटर, जैसे ये नींबू पानी बोलते हैं हम या स्कंजी बोलते हैं जिसको, शुगर ऐड की अपने वाटर के अंदर, तो वाटर हाई अमाउंट में होगा शुगर और सॉल्ट लेस अमाउंट में होती है। ओके नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि सॉलिड हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा और गैस लिक्विड और सॉलिड क्या होंगे लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो गए। अब देखो फर्स्ट क्या है गैस इन सॉलिड, यानी गैस क्या होगी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी और सॉलिड क्या होगी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगी। इसको इसके लिए एग्जांपल है एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज एडजॉर्प्शन, आपने जनरली स्टडी किया होगा
एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सर सेम रहती है, बट जो एडजॉर्प्शन है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, अब वाटर के अंदर आप क्या करते हो, क्लोथ डाल देते हो, कपड़ा है कोई भी, अब कपड़े के ऊपर क्या होगा, पूरा वाटर आ जाता है अच्छी तरह से, मिक्स हो जाता है अच्छी तरह, तो वो है एब्जॉर्प्शन। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई कपड़ा है उसके ऊपर वाटर डालो थोड़ा सा और वो दूसरी साइड आपको वाटर दिखाई ना दे, तो इसका मतलब वो क्या होता है, एडजॉर्प्शन है, यानी कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा। या कई बार इंक वगैरह गिर जाती है कपड़े के ऊपर, तो ऊपर क्या होगी, इंक दिखाई देगी बट जो दूसरी साइड है वो इंक दिखाई नहीं देती, तो वो क्या होगा, एडजॉर्प्शन होता है अभी, ठीक है ना, स्लोली एडजॉर्ब होना। तो देखो इसके लिए एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं हम, सॉलिड इन गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल, यानी कोई भी मेटल है उसके ऊपर अगर गैस चली जाती है अंदर तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल। अब सॉलिड क्या होगा, हाई अमाउंट में होगा, और जो गैस है वो क्या होती है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी। ओके नेक्स्ट आता है अभी लिक्विड इन सॉलिड, यानी सॉलिड हाई अमाउंट में होगा और लिक्विड क्या होगा आपके पास, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड, यानी सॉलिड के ऊपर लिक्विड की एडजॉर्प्शन। आप जैसे घर के अंदर जनरली देखते हो ईंट ब्रिक, अगर ईंट के ऊपर आप पानी डाल दो तो पानी क्या करेगा, अंदर चला जाता है ना ईंट के, तो इसका मतलब वो क्या है, एडजॉर्प्शन है। अगर आप कम्प्लीटली ईंट को पानी के अंदर रख दोगे तो वो कम्प्लीटली वाटर उसके अंदर चला जाता है, तो वो फिनोमेना हो जाता है एब्जॉर्प्शन का। तो ये क्या है, एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड, यानी ईंट के ऊपर अगर आपने पानी डाला है ना, वो पानी क्या करेगा, स्लोवली थोड़ा अंदर चला जाता है, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड, या बोल सकते हो एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन मेटल। नेक्स्ट सॉलिड इन सॉलिड, यानी दोनों क्या होंगे, सॉलिड होंगे, जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड होगा और जो सॉल्यूट है वो भी क्या होगा आपके पास, सॉलिड होगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल है एलॉयज, जितने भी आप एलॉयज यूज करते हो ना वो सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के, जिसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों क्या होंगे, सॉलिड हो गए। कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, या ब्रास पीतल आपने आपके घर में देखा होगा, वो सारे क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं अभी, सिल्वर वो भी क्या, एक एलॉय है। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस।